द पैरा माउंटेन इंस्टीट्यूट के संचालक मुखबिंदर सिंह ने बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराई जाती है। यहाँ के शिक्षा पा करके बच्चे आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग और भी अन्य क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट को खुले अभी 4 महीने हुए हैं और लगभग हमारे पास 65 बच्चे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा गरीब व असहाय बच्चों की मदद करता रहेगा। हमारा यही उद्देश्य है कि इंस्टीट्यूट चलाना है। मुखबिंदर सिंह ने कहा कि हम इंस्टीट्यूट के साथ साथ पर्यावरण पर भी काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वहीं पर बच्चों से बात की गई तो बच्चों का कहना है कि हमसे अभी तक कोई भी फीस नहीं ली गई है और हम यहां पर शिक्षा ग्रहण करके बहुत ही उत्साहित हैं। आज आपने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है, आगे कब तक चलेगा? जब तक सांस चलेंगे तब तक ये चलते ही रहेगा। और आपको पता है आजकल पर्यावरण हमारा कितना दूषित हो रहा है और कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने ये मुहिम शुरू की है। और आज तो हमने SDM कोड में लगाए हैं पेड़, और जहाँ जहाँ भी हमें एम्प्टी प्लेसेज मिलेंगे, जहाँ जहाँ भी खाली जगह मिलेगी, और हम वहाँ पर लगाते रहेंगे। आज जब पौधे लगा रहे थे तो SDM साहब ने खुद कहा कि इन अभियानों को तेजी देनी चाहिए। उन्होंने खुद पौधा लगाया और इसे अभियान में जुड़ने का उन्होंने एक संदेश भी दिया, इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए सर, जैसे हमारे साथ बड़े ऑफिसर्स जुड़ेंगे, बड़े अधिकारी साहिबान जुड़ेंगे, तो इनको देख के लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पैदा होगा कि ये सब लोग लगा रहे हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं इसमें रुचि दिखानी चाहिए। तो ये एक अच्छा संदेश देता है लोगों। ये पौधे आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाएंगे जाके? बिल्कुल, हमने पहले लगवाए भी हैं और हम तो कहते हैं सभी से कि जिसको भी रिक्वायरमेंट है पौधों की हमसे मिलिए, हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। एक संदेश दे दीजिए। संदेश सर, हम तो क्या संदेश देंगे, आप सब लोग समझदार हैं कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों की बहुत बड़ी हमारे उसमें इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसके अलावा हमें बहुत सारे फल फ्रूट भी देते हैं, छाया भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हमें एक मनुष्य को जीवन दुनिया में रहने का हक है, ऐसे पेड़ पौधों को भी रहने का पूरा हक है। मनोज हल्दार की रिपोर्ट।